अब हम देखते हैं अटैचमेंट्स ऑफ अल्ना, ठीक है। ये जो ओलिकेरन प्रोसेस की सुपीरियर सरफेस है, ठीक है, इसका पोस्टीरियर रफ पार्ट होता है, यहाँ पे ट्रासे ब्रेक आए इंसर्ट होता है, ठीक है, और जो एंटीरियर पार्ट होता है वहाँ पे बरसा होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रेकियलिस कहाँ पे इंसर्ट होता है, ठीक है। जो कोरोनरी प्रोसेस का, ये कोरोनरी प्रोसेस, ठीक है, इसका जो एंटीरियर सर्फेस है, ठीक है, इंक्लूडिंग द ट्यूब्लॉस्टी, यहाँ पे हमारे पास ब्रेकियलिस जो होता है वो ओरिजिनेट करता है, इंसर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सुपीनेटर, ये जो सुपीनेटर क्रेस्ट थी, ठीक है, यहाँ से हमारे पास सुपीनेटर जो होता है वो ओरिजिनेट करता है। उसके बाद हम देखते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है। जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस होता है ना, ठीक है, ये हमारे पास मीडियल मार्जिन ऑफ द कॉर्नर प्रोसेस, ठीक है, ये कॉर्नर प्रोसेस है, ठीक है, उसका जो मीडियल मार्जिन है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास ऑलमोस्ट फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो होता है ना वो ओरिजिनेट करता है। उसके बाद हम देखते हैं अल्नर हेड ऑफ प्रोनेटर टीरीज, ठीक है, ये भी हमारे पास आता है मीडियल मार्जिन ऑफ द कॉर्नर प्रोसेस, ठीक है, यहाँ से भी हमारे पास आता है मीडियल मार्जिन ऑफ कॉर्नर प्रोसेस से आएगा प्रोनेटर टीरीज, ठीक है, यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आएगा प्रोनेटर टीरीज। उसके बाद हम देखते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है, उसका जो ओरिजिन होता है ना वो मल्टीपल साइड से होता है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो एंटीरियर सर्फेस है इसका अपर 3/4, ठीक है, और जो मीडियल सर्फेस है इसका अपर 3/4, यहाँ से ओरिजिनेट करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास करता है मीडियल सरफेस ऑफ कोरोनॉइड और ओलिक्रैनियन प्रोसेस, ठीक है, इनकी मीडियल सरफेस इससे आता है, दोनों प्रोसेस की मीडियल सरफेस से, अपर 3/4 ऑफ इंटीरियर सरफेस और अपर 3/4 ऑफ द मीडियल सरफेस, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास थोड़ा सा ये पोस्टीरियर बॉर्डर से भी ओरिजिनेट करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है, जो एंटीरियर सरफेस है, ठीक है, ये एंटीरियर सरफेस, ठीक है, एंटीरियर सरफेस का जो लोअर पार्ट है यहाँ पे हमारे पास होता है प्रोनेटर क्वाड्रेटस की ओरिजिन होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है, जो ओलिक्रैनियन प्रोसेस है, ठीक है, ये ओलिक्रैनियन प्रोसेस है, ठीक है, उसकी मीडियल सरफेस से और पोस्टीरियर बॉर्डर से, ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर से और मीडियल सरफेस ऑफ ओलिक्रैनियन प्रोसेस, यहाँ से हमारे पास ओरिजिनेट करता है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है। जो एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस है वो हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर से ओरिजिनेट करता है, ठीक है, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस पोस्टीरियर बॉर्डर से ओरिजिनेट करेगा। उसके बाद हम देखते हैं एनकोनियस, ठीक है, जो एनकोनियस है वो हमारे पास ओलिक्रैनियन प्रोसेस, ठीक है, ओलिक्रैनियन प्रोसेस के लेटरल एस्पेक्ट, ठीक है, और अपर 1/4 ऑफ द पोस्टीरियर सर्फेस, ठीक है, ये सारी है हमारे पास पोस्टीरियर सर्फेस है, तो अपर 1/4 ऑफ द पोस्टीरियर सर्फेस, ठीक है, और हमारे पास होता है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ओलिक्रैनियन प्रोसेस, यहाँ पे हमारे पास इंसर्शन होती है एनकोनियस की, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑब्वियसली इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे पास इंट्रोशियस बॉर्डर के अलॉन्ग अटैच होती है, ठीक है। उसके बाद है ओब्लीक कॉर्ड और कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है, जो ओब्लीक कॉर्ड है वो हमारे पास अल्नर ट्यूब्लॉसिटी पे अटैच होगी, ठीक है, और कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ एल्बो ज्वाइंट जो होता है वो हमारे पास मार्जन्स ऑफ द ट्रोक्लियर नॉच पे, ठीक है, ये जो मार्जन्स है यहाँ पे ट्रोक्लियर नॉच के, यहाँ पे होता है कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ एल्बो ज्वाइंट। उसके बाद हम देखेंगे एन्यूलर लिगामेंट ऑफ सुपीरियर रेडियोलर ज्वाइंट, ठीक है, वो हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पे मार्जन्स ऑफ द रेडियल नॉच पे अटैच होगा। उसके बाद है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है, रिस्ट पे होता है हमारे पास एक अल्नर कोलेटरल लिगामेंट मीडियल साइड पे, ठीक है, वो यहाँ पे कहाँ पे अटैच होता है, एट द टिप ऑफ द स्टॉलेट प्रोसेस,